ये जो आयोजन है अपने आप में और भी ज्यादा खास है। आज ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे समय में हो रही है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के इन 75 सालों ने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों के ही रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निरंतर स्पष्ट किया है। जहां जब भी जरूरी हुआ देश को दिशा देने के लिए ये रिलेशन लगातार इवॉल्व हुआ है। आज आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश नए अमृत संकल्प ले रहा है, नए सपने देख रहा है, तो हमें भी भविष्य की तरफ देखना होगा। 2047 में जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा तब हम देश में कैसी न्याय व्यवस्था देखना चाहेंगे, हम किस तरह अपने जुडिशियल सिस्टम को इतना समर्थ बनाएं कि वो 2047 के भारत के आकांक्षाओं को पूरा कर सके, उन पर खरा उतर सके, ये प्रश्न आज हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। अमृत काल में हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो, न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए हो। साथियों, देश में न्याय की देरी को कम करने के लिए सरकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है। हम जुडिशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश चल रही है, केस मैनेजमेंट के लिए आईसीटी के इस्तेमाल की शुरुआत भी की गई है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक वैकेंसीज को भरने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। साथ ही जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी देश में व्यापक काम हो रहा है। इसमें राज्यों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आज पूरी दुनिया में नागरिकों के अधिकार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टूल बन चुकी है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी की संभावनाओं से आप सब परिचित हैं। हमारे ऑनरेबल जजेस समय समय पर इस विषय में विमर्श को आगे भी बढ़ाते रहे हैं। भारत सरकार भी जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। उदाहरण के तौर पर ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को आज मिशन मोड में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी के मार्गदर्शन में जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और डिजिटाइजेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं यहां उपस्थित सभी मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के सभी चीफ जस्टिस से भी आग्रह करूंगा कि इस अभियान को विशेष महत्व दें, इसे आगे बढ़ाएं। डिजिटल इंडिया के साथ जुडिशरी का ये इंटीग्रेशन आज देश के सामान्य मानवीय की अपेक्षा भी बन गई है। आप देखिए, आज कुछ साल पहले डिजिटल ट्रांजेक्शन को हमारे देश के लिए असंभव माना जाता था। लोगों को लगता था, लोग शक करते थे, अरे ये हमारे देश में कैसे हो सकता है, और ये भी सोचा जाता है इसका स्कोप केवल शहरों तक ही सीमित रह सकता है, उससे आगे बढ़ नहीं सकता है। लेकिन आज छोटे कस्बों और यहां तक गांवों में भी डिजिटल ट्रांजेक्शन आम बात होने लगी है। ये पूरे विश्व में पिछले साल जितने डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए उसमें से 40% डिजिटल ट्रांजेक्शन भारत में हुए हैं।
सरकार से जुड़ी वो सेवाएं जिनके लिए पहले नागरिकों को महीनों ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, वो अब मोबाइल पर अवेलेबल हो रही है। ऐसे में स्वाभाविक है, जिस नागरिक को सेवाएं और सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं, वो न्याय के अधिकार को लेकर भी वैसे ही अपेक्षाएं करेगा। साथियों, आज जब हम टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो इसका एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टेक फ्रेंडली ह्यूमन रिसोर्सेज भी है। टेक्नोलॉजी आज युवाओं के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। यह हमें सुनिश्चित करना है कि युवाओं की एक्सपर्टाइज, उनकी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ कैसे बने। आजकल कई देशों में लॉ यूनिवर्सिटीज में ब्लॉकचेन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोएथिक्स जैसे विषय पढ़ाए जा रहे हैं। हमारे देश में भी लीगल एजुकेशन इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, न्यायमूलं सुराजं स्यात्, अर्थात किसी भी देश में सुराज का आधार न्याय होता है। इसलिए न्याय जनता से जुड़ा होना चाहिए, जनता की भाषा में होना चाहिए। जब तक न्याय के आधार को सामान्य मानवी नहीं समझता, उसके लिए न्याय और राजकीय आदेश में बहुत फर्क नहीं होता है। मैं इन दिनों सरकार में एक विषय पे थोड़ा दिमाग खपा रहा हूं। दुनिया के कई देश ऐसे हैं कि जहां कानून बनाते हैं तो एक तो लीगल टर्मिनोलॉजी में कानून होता है, लेकिन उसके साथ एक और कानून का रूप भी रखा जाता है जो लोक भाषा में होता है, सामान्य मानवी की भाषा में होता है, और दोनों मान्य होते हैं, और उसके कारण सामान्य मानवी को कानूनी चीजों को समझने में न्याय के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे देश में भी कानून एक पूरी तरह लीगल टर्मिनोलॉजी हो।